गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट आवर फर्स्ट सिलेबस PA1 साइंस. सो यू ओपन योर साइंस बुक. लेट स्टार्ट नाउ दिस चैप्टर. चैप्टर 1, प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स. चैप्टर 1, प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स. पौधे और उसके भाग. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट. इस चैप्टर में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी पौधों के कितने भाग होते हैं. प्लांट्स आर ऑल अराउंड अस. पेड़ पौधे हमारे चारों ओर हैं. दे मेक अवर वर्ल्ड ब्यूटिफुल, जो हमारे विश्व को सुंदर बनाते हैं. We can see plants in and around our homes. आप अपने घर में और घर के चारों ओर पेड़ पौधों को देख सकते हैं. Most plants are green in color. अधिकतर पौधे हरे कलर के होते हैं. Plants need air, water and sunlight to grow. पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए हवा, पानी और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, पौधों के भाग. अ प्लांट हैज मैनी पार्ट्स, पौधों के कई भाग होते हैं. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट हैज अ डिफरेंट रोल. और पौधों के जो विभिन्न भाग होते हैं उसकी विभिन्न रोल यानी भूमिकाएं होती हैं. लेट अस हैव अ लुक एट देम एंड लर्न. अब हम पौधों के विभिन्न भागों को देखेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे. देखिए, यहाँ पर प्लांट के रूट को दिखाया गया है जो हमेशा मिट्टी में होते हैं. रूट्स, रूट्स आर द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो बिलो द ग्राउंड. रूट मीन्स होता है जड़. जड़ पौधे का वह भाग होता है जो मिट्टी के नीचे होता है और बढ़ता है. रूट्स फिक्स द प्लांट इन द सॉयल. जड़े पौधे की जो होती हैं वो मिट्टी में होती हैं, जिससे वो क्या करती हैं, स्थिर होती हैं, जिससे कोई भी पौधा मजबूती से खड़ा होता है. दे ऑल्सो टेक वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल एंड सेंड इट टू स्टेम. और इसके साथ ही साथ ये जो जड़ें होती हैं ये मिट्टी से पानी और खनिज पदार्थों को लेकर के तनों तक पहुंचाती हैं. स्टेम्स, देखिए ये यहाँ पे रूट्स थे, ये पौधों की तने होती हैं. स्टेम्स मीन्स तना होता है. द स्टेम इज अ मेन पार्ट ऑफ द प्लांट. तना जो होता है वो पौधे का मुख्य भाग होता है. इट ग्रोज जस्ट अबव द ग्राउंड. और ये क्या होता है, जड़ मिट्टी के नीचे होती है, उसके ऊपर जो आपको इस तरह से दिखाई देता है जो ऊपर वो होता है तना. इट कैरीज न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम रूट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और तना जो होता है वो जड़ से पानी और खनिज पदार्थों को लेकर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है. ब्रांचेस, शाखाएं, देखिए यहाँ पर दिखाई गई है, प्लांट्स में कई सारी ब्रांचेस होती हैं. ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम द स्टेम्स. और ब्रांच कहाँ पर निकलती है, तनों में निकलती है. लीव्स, पत्तियाँ. ब्रांचेस हैव मैनी लीव्स. आपने देखा होगा कि शाखाओं में बहुत सारी पत्तियाँ लगी होती हैं. मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर. और अधिकतर पत्तियाँ हरे कलर की होती हैं. लीव्स मेक फूड फॉर
द प्लांट्स और पत्तियां जो होती हैं वो पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, पत्तियां विभिन्न आकार और आकृति की होती हैं। देखिए जैसे यहाँ पर दिखाया गया ये पत्ती लंबी और बहुत ही पतली है, यहाँ पर दिखाया गया ये पत्ती चौड़ी चौड़ी है, ये देखिए ये पत्ती किनारे से हल्की सी कटीली जैसी है, ये इस पत्ती को देखिए ये क्या है, गोल है। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के लीव्स थे। फ्लावर्स फूल, मोस्ट प्लांट्स हैव फ्लावर्स, आपने देखा होगा कि अधिकतर पौधों में फूल लगते हैं। फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम बक्स, और फूल कैसे लगते हैं, कलियों से फूल बनते हैं। फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल एंड कलरफुल, फूल जो होते हैं वो बहुत ही सुंदर और रंगीन होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे कई सारे फूल दिखाए गए हैं, रोज़, लिली, जैस्मिन, सनफ्लावर। फ्रूट्स फल, सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे में क्या होता है, पहले हम बीज डालते हैं तो उससे पौधा निकलता है, फिर उस पर पत्तियाँ आती हैं, पत्तियों में क्या होता है, फूल लेता है, फूल से कली बनती है, या फूल जब सूख जाते हैं तो उससे फल बनते हैं। वी ईट मैनी फ्रूट्स, हम कई सारे फल खाते हैं, जैसे देखिए बनाना, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, ये सभी फ्रूट्स हम खाते हैं कि नहीं। सीड्स बीज, मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम, अधिकतर फलों में क्या होता है, बीज उसके अंदर होता है, चाहे आप एप्पल ले लीजिए, ऑरेंज देखिए, पपाया देखिए, ये जो अधिकतर फ्रूट्स होते हैं उसमें क्या होता है, बीज फल के अंदर होते हैं। सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड इनसाइड देम, कुछ फल ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर केवल एक ही सीड होती है, आपको पता है ऐसा कौन सा फल है, जो गर्मी के सीज़न में मिलता है और अधिकतर बच्चों को पसंद भी होता है, तो इसका आंसर क्या है, मैंगो, जिसमें केवल एक ही सीड होती है। सम फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम, और कुछ फलों के अंदर बीज होती है। मोर्टूनो, आपको जानना चाहिए, बनाना फ्रूट हैज़ नो सीड, आप जानते हैं कि बनाना के अंदर कोई सीड्स नहीं होती। सम प्लांट्स लाइक शुगर केन डू नॉट हैव फ्रूट या सीड्स, शुगर केन, गन्ना एक ऐसा प्लांट होता है जिसका ना तो कोई फल होता है और ना ही जिसके अंदर कोई बीज होती है। इस तरह से बेटा आप सभी का चैप्टर वन का एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है। इसका एक्सरसाइज का जो PDF आपको दिया जाएगा उसे आप सभी अपनी फेयर कॉपी में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखेंगे। थैंक यू। Good afternoon. So, here we go.